नौकरी की आस ही नहीं टूटी, डूब गए 65 करोड़। JSSC कमाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा CGL रद्द कर दी गई है, अभ्यर्थी गुस्से में है। सरकार और JSSC अध्यक्ष नीरज सिन्हा निशाने पर है। विपक्ष हमलावर है, जांच की मांग हो रही है। इन सब के बीच दो अहम सवाल गायब हो गए हैं। पहली यह कि छात्रों के साथ धोखा के लिए जिम्मेदार कौन है, दूसरी यह कि परीक्षा रद्द होने से छात्रों का जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है उसे कौन लौटाएगा। CGL के लिए 2 तारीखों की घोषणा हुई थी। पहली परीक्षा 28 जनवरी को हुई, इसमें करीब 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। दूसरे चरण की परीक्षा की तारीख 4 जनवरी तय थी। अब दूसरे चरण की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। 28 जनवरी को हुई परीक्षा का पेपर लीक हो गया। परीक्षा 3 पालियों में हुई, हर पाली की परीक्षा 2 घंटे की थी। पहली और दूसरी पाली की परीक्षा के बाद 1-1 घंटे का ब्रेक दिया गया था। दूसरी पाली के बाद अभ्यर्थियों को केंद्र से बाहर निकलने की अनुमति दी गई थी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से ही शुरू हो गई थी। इसके लिए परीक्षा केंद्र पर 7 बजे की रिपोर्टिंग का समय रखा गया था। सवाल यह उठ रहा है कि अभ्यर्थी का जो समय बर्बाद हुआ, उनके पैसे का जो नुकसान हुआ, उसे कौन लौटाएगा। परीक्षा में शामिल छात्रों की संख्या अधिक होने की वजह से शहर के अलावा दूर दराज के इलाकों में भी सेंटर बनाए गए थे। छात्रों को 100-200 किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा देनी पड़ी। छात्र बस, ट्रेन, ऑटो, कार रिजर्व कर जैसे तैसे सेंटर पहुंचे। स्टेशन पर या सड़क के किनारे ठंड में रात बिताई। इन सब में प्रति अभ्यर्थी कम से कम 2000 रुपए खर्च हुए। आंकड़े के मुताबिक करीब 3 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इस तरह आने जाने, खाने व ठहरने में अभ्यर्थियों के करीब 65 करोड़ रुपए पानी में चले गए। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी उनमें अधिकांश गरीब परिवार से आते हैं। बहुत से छात्रों के अभिभावकों ने कर्ज लेकर परीक्षा में शामिल होने के लिए भेजा था। भागलपुर निवासी अभ्यर्थी नीलिमा का सेंटर धनबाद में पड़ा था। उनके माता पिता नहीं है। उनके मुताबिक वह पड़ोसी से कर्ज लेकर इस परीक्षा में शामिल हुई थी। ऊपर से स्टेशन पर रात गुजारने का कष्ट अलग से हुआ, क्योंकि होटल के लिए पैसे नहीं थे। नीलिमा ने बताया कि परीक्षा बढ़िया गया पर परिणाम तो 0 ही हुआ। अब चिंता इस बात की है कि पड़ोसी के पैसे तुरंत कैसे लौटा पाएगी। पाकुड़ के अभ्यर्थी सूरज ने बताया कि एक तो CGL कई सालों के बाद आयोजित, फिर परीक्षा होकर रद्द कर दी गई। सूरज ने बताया कि परीक्षा के दिन सुबह से शाम तक भूखा रहा। सेंटर भी इतने इंटीरियर इलाके में दे दिया गया था कि आने जाने में ही सारे कर्म हो गए। आने जाने में उनके काफी रुपए खर्च हो गए। कोडरमा के एक अभ्यर्थी ने बताया कि उसने बड़ी उम्मीद से परीक्षा दी, ठंड में रात भर स्टेशन पर रहा। उसे बुखार हो गया था, फिर भी सुबह 5 बजते ही वह परीक्षा केंद्र पर पहुंचा, क्योंकि सेंटर काफी इंटीरियर में था। उसने बताया कि स्थिति ऐसी हो गई थी कि घर लौटने के लिए उसके पास सिर्फ 100 रुपए ही बचे थे। इससे वह या तो खाना खा सकता था या किराया दे सकता था, इसलिए भूख से बिलबिलाते हुए वह धनबाद से कोडरमा पहुंचा।